आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे आज उसमें सीसीबीटी के किसी काम में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक बार जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल था हमारे पास एक, एक एग्जांपल था जिसमें एग्जांपल पूछा जा रहा था, डिटरमाइन द साउंड पावर लेवल ओ स्मॉल सायरन दैट जनरेट 0.1 वॉट ऑफ साउंड पावर। ठीक है, इतना पावर वो जनरेट कर रहा है, वोट में दिए हुए यूनिट 0.1। आपको निकालना है साउंड पावर लेवल। साउंड पावर लेवल हमेशा डेसीबल होगा, जिसका इक्वेशन आपके पास ये है, लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू 10। ऐसा नहीं है कि ये एल डब्ल्यू जो है आप कैसे दिखाओगे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, SPL साउंड पावर लेवल, आप LSPL से भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो LW इज इक्वल टू 10 लॉग W जो पावर जनरेट हो रही है डिवाइड बाय रेफरेंस। एक रेफरेंस वोट हमें लेना होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12, और ये डेसिबल आपकी यूनिट है। तो 10 लॉग 0.1 डिवाइड बाय 10 की पावर -12 अगर आप पुट कर दोगे तो आ जाएगा 110 डेसिबल। यानी कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस जो 0.1 वोट आपका जनरेट कर रहा है, तो वो 110 डेसिबल का साउंड प्रेशर लेवल जनरेट करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कुछ भी नहीं था, सिंपल फॉर्मूला, इसमें सिंपल है, फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आ जाते हैं इसके ऊपर, बहुत बेसिक से अच्छे मार्क्स के। एग्जाम्पल टू, ठीक है, एग्जाम्पल टू में उल्टा कह रहा है, उसका बिल्कुल अपोजिट है कि वो कह रहा है कि एक डिवाइस है जिससे साउंड पावर लेवल निकल रहा है आपका 125 डेसिबल, और आपको निकालना है कि वो कितना वोट जनरेट कर रही है। ठीक है, तो यहीं पर उसी इक्वेशन को, इक्वेशन क्या थी आपकी, लॉग आगे 10 था, अगर ये 10 आगे नहीं लगाओगे तो आप बेल्स में आ जाएगा, डेसिबल के लिए 10 लगाना होता है। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू रेफरेंस इज इक्वल टू डेसिबल जो 125 दिया हुआ है, बस इसी को सॉल्व करके आपको W निकालना है। डब्ल्यू आर की वैल्यू 10 की पावर -12 है, तो इसी से निकल के आता है 3.2 वॉट्स। इसमें एक देखने वाली बात यह है कि 0.1 वॉट जनरेट कर रहा है आपका 125 डेसिबल, और 3.2 जनरेट कर रहा है 125, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, 110 डेसिबल, और यहाँ पे 125। देख रहे हो कि अगर आपको इस चीज़ का अंदाजा लगाना है कि 0.1 वोट से 110 मिल रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि 0.2 से डबल हो जाएगा, 220 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो वोट कितना ज़्यादा हो गया, इससे 3.2 पर डेसिबल 125 ही है, क्योंकि ये लीनियर ही वेरी नहीं करता, इसमें कुछ भी लॉगरिथमिक करता है, इसलिए हम कुछ भी ऐसे किसी भी चीज को डबल मल्टीप्लाई तीन गुना ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम थर्ड न्यूमेरिकल में कह रहा है कैलकुलेट द साउंड प्रेशर लेवल, वही SPL निकालना है आपको, फॉर ए साउंड एंड RMS एकोस्टिक प्रेशर ऑफ 2.5 पास्कल। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है और आपको लेवल निकालना है डेसिबल में, वहाँ प्रेशर का स्क्वायर हो जाएगा, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेशर का स्क्वायर होगा, फॉर्मूला वही है, प्रेशर की जो रेफरेंस वैल्यू है आपको ये सारी याद करनी होगी। वॉट का रेफरेंस वैल्यू क्या है, 10 की पावर -12, और प्रेशर की रेफरेंस वैल्यू क्या है, ये याद रखनी, 20 × 10 की पावर -6, ये आपको याद रखना होगा। ये वैल्यू हमने पुट की और 101.9 डेसिबल आ गया है।
ठीक है, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में बताया था कि जो ह्यूमन है उसका हेयरिंग जो उसको नुकसान ना दे वो कितना प्रेशर है, 0.1 पास्कल साउंड प्रेशर, ठीक है, यानी 0.1 80 डेसिबल से कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2.5 पास्कल है, तो यहाँ पे 101.9 डेसिबल आपका साउंड प्रेशर लेवल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक कल हो चुका था। एक ये रिलेशन थी आपके यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी और प्रेशर के बीच में, क्या है, प्रेशर का स्क्वायर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, लेकिन जब हम बात करते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल की तो वो प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन आपको ध्यान रखनी है। ये जो है अभी पॉइंट सोर्स, अभी इसको रहने दो, अभी जब तक हम सिंपल प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जब तक इस पे नहीं आ पाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर जो आपका सोर्स है, साउंड का सोर्स है, वो लाइन सोर्स है, एरिया सोर्स है कि पॉइंट सोर्स है, उस केस में क्या करना है। ठीक है, इसको अभी यहीं पर होल्ड रखते हैं, पहले थोड़े से बेसिक हैं वो कर लेते हैं। तो एवरेजिंग, अगर आपको साउंड सोर्सेज हैं, दो साउंड सोर्सेज रखे हैं, तीन साउंड सोर्सेज रखे हुए हैं, उनसे कुछ साउंड प्रेशर लेवल निकल रहा है और आपको बताना है कि एवरेज साउंड प्रेशर लेवल क्या है, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, बिकॉज डेसिबल आर ज्योमेट्रिक वैल्यू, दे कैन नॉट बी एडिड डायरेक्टली, फर्स्ट कन्वर्ट रीडिंग अर्थमेटिक वैल्यू विच देन एडिड कन्वर्ट टू बैक टू डेसिबल इक्विवेलेंट साउंड लेवल प्रेशर। इसमें क्या किया हुआ है, आप इस फॉर्मूले को अगर देखोगे तो एल ई क्यू इक्विवेलेंट या एवरेज कह दो साउंड प्रेशर लेवल, टेन लॉग, वही आपका टेन लॉग तो आ ही रहा है हमेशा, समेशन ऑफ 10 की पावर Li/10/N। इसका एग्जाम्पल से फॉर्मूला समझते हैं। एक सोर्स है S1, वो दे रहा है 20 डेसिबल। एक सोर्स है S2, वो दे रहा है 25 डेसिबल। अब आपको बताना है कि S1 + S2 का एवरेज, एवरेज यहाँ ऐड नहीं हो रहा, एवरेज निकाल रहे हैं, तो L इक्विवेलेंट 10 log। सर जो आप लिख रहे हैं वो शो नहीं हो रहा शायद। दिखने वाला शो नहीं हो रहा है, अरे नो यार सर, किसी को भी नहीं हो रहा है, दिख रहा सर। दिख रहा है, रेड कलर से लिख रहा हूँ, अब आया, अब आया। यस सर। ठीक है, चलो तो आपको एवरेज कैसे निकालना है, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा था, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा था कि अगर S1 एक सोर्स है, उसमें से 20 डेसिबल आपका लेवल है साउंड प्रेशर लेवल, और S2 एक दूसरा सोर्स है, इसमें 25 डेसिबल, तो उसका एवरेज कैसे निकाल लेंगे, 10 log समेशन है, तो होगा यहाँ पे 10 की पावर, पहला सोर्स कितना दे रहा है 20 डिवाइड बाय प्लस प्लस 10 10 की पावर, दूसरा सोर्स क्या है 25 डिवाइड बाय 10, ठीक है, और इन सबको डिवाइड कर देना है 2 से, इस तरीके से आपका निकलेगा एवरेज। किसी भी मल्टीपल सोर्सेस से डेसिबल आ रहा है, कोई प्रेशर साउंड प्रेशर लेवल आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ये निकलेगा। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। Li का मतलब है Li1 नंबर ऑफ सोर्सेस, ठीक है, और N का मतलब है नंबर ऑफ सोर्सेस है, और Li1 का मतलब कोरस्पोंडिंग उस सोर्स के कितना साउंड प्रेशर लेवल है, तो इस तरीके से आपको इसमें एवरेजिंग करनी है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, केवल दो साउंड लेवल को ऐड करने के लिए, दो साउंड लेवल को एवरेज करने के लिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है उसमें और गलत हो जाता है, बहुत इजी होता है ये। चलो नेक्स्ट, एडिशन, अभी हमने पढ़ा है एवरेज कैसे करते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एडिशन का, यही वही फॉर्मूला है सेम, बस उसमें जो डिवाइड बाय एन हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, 10 log ब्रैकेट में 10 की पावर
सोर्स 1 बाय 10 प्लस 10 की पावर सोर्स 2 बाय 10 लाइक एग्जांपल के तौर पे 10 इज इक्वल टू 10 log यहां ब्रैकेट 10 की पावर s1 कोई सोर्स से डेसिबल आ रहा है डिवाइड बाय 10 प्लस 10 की पावर s2 डिवाइड बाय 10 इसी तरह से जितने भी नंबर ऑफ सोर्स हैं sn डिवाइड बाय 10 इस तरह से आप समेशन निकाल सकते हो किसी भी नंबर ऑफ मल्टीपल सोर्सेज से अगर साउंड प्रेशर लेवल आ रहा है तो सबट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबट्रैक्शन में क्या दिया हुआ है वही फॉर्मूला है केवल समेशन की जगह सबट्रैक्ट करना है ठीक है और यहां पे इस लाइन को जरा समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वेयर ls इज द नॉइज सोर्स एंड lb इज द बैकग्राउंड ठीक है न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर ls क्या है नॉइज सोर्स और lb क्या है बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहूं कि यार ये जो मशीन चल रही है लेथ मशीन है इसका जरा साउंड प्रेशर लेवल निकालो कितना नॉइज कर रहा है ठीक है तो आप पहले मशीन को ऑन करोगे फिर एक डिवाइस से उसका साउंड प्रेशर लेवल मेजर करोगे और वो आ गया 95 डेसिबल ठीक है तो 95 डेसिबल होगा नहीं उसमें से पहले सबट्रैक्ट करना होगा बैकग्राउंड नॉइज पहले आपको स्विच ऑफ करके स्विच ऑफ है जब आपकी लेथ मशीन तब आपको नॉइज मेजर करनी है और फिर आपको है ना स्विच ऑन करके मशीन का नॉइज लेवल मेजर करना है फिर ये इक्वेशन में दोनों चीजें लगानी है तब आपकी निकल के आएगी कि उस लेथ मशीन का साउंड नॉइज सोर्स नॉइज कितना निकल रहा है ठीक है ये होता है ये ऐसे जरूरत क्यों होती है मान लो एक फैक्ट्री है उसमें जो साउंड प्रेशर लेवल है वो इतना आ रहा है जो हेल्थ के लिए सही नहीं है जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 8 घंटे के लिए सही नहीं है तो हमें वो रिड्यूस करना है ठीक है तो हमें किस मशीन में रिड्यूस करना है कितना करना है कैसे करना है वो सब इसी पे डिपेंड करता है मान लो आपने वहाँ पे एक फैक्ट्री के अंदर मेजर किया और वो आ रहा है 95 और आप चाहते हो 93 हो जाए किसी तरह से लेकिन आप लगे रहे आपने देखा सब चीज़ कर ली हमने कमी नहीं हो रहा क्योंकि आपने ये नहीं पता किया कि बैकग्राउंड नॉइज कितना है बाहर से भी कोई नॉइज आ रहा है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है ना और आप मशीन में लगे हुए हो करने के लिए तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है हमारा और सोर्स का साउंड प्रेशर लेवल कितना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिटरमाइन द साउंड प्रेशर लेवल LP1 एक साउंड सोर्स है जिससे साउंड लेवल आ रहा है 90 डेसिबल LP1 एक दूसरा है LP2 जिससे आ रहा है 95 डेसिबल एक तीसरा है LP3 जिससे आ रहा है आपका 88 डेसिबल और इसे निकालना है टोटल निकालना है एवरेज नहीं निकालना ठीक है तो LP इज इक्वल टू 10 log 10 की पावर 90 बाय 10 10 की पावर 95 बाय 10 और 10 की पावर 88 बाय 10 इस तरह से सम किया और सम निकल के आया है 96.8 डेसिबल यानी कि जो टोटल साउंड प्रेशर लेवल होगा वो 96.8 डेसिबल होगा ठीक है एक क्या कहते हैं आपका आप एक कमरे में म्यूजिक सुन रहे हो आपने एक स्पीकर लगाया हुआ है ठीक है आपने सोचा यार एक स्पीकर का आपने पूरा फुल साउंड किया हुआ है और वो 100 डेसिबल दे रहा है आपको और ज़्यादा साउंड की चाहिए आपने एक और स्पीकर लगा दिया ठीक है तो एक और स्पीकर उसी साइज का लगा दिया और उसका भी साउंड उतना ही कर दिया एक ही गाना आपका प्ले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 200 डेसिबल हो गया अगर दोनों का सेम है साउंड 100 डेसिबल तो 100 ही रहेगा वो ठीक है थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हो जाएगा अगर उसकी पोजीशन चेंज करते हो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है ठीक है और सोर्स कहाँ पे आप रिसीवर कहाँ पे उस पर भी डिपेंड करता है इन चीज़ों पे डिपेंड करता है सब पे लेकिन अगर दोनों सोर्स के बीच में रिसीवर है इक्वल डिस्टेंस है दोनों सोर्स 100 डेसिबल दे रहे हैं तो 100 ही आएगा वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं हो जाएगी ठीक है तो इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा साउंड के बारे में तो ये न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं है एडिशन करना है सिर्फ कुछ तो करना नहीं था तीन सोर्सेज है तीनों को एडिशन कर दिया पर इस तरीके से एडिशन करना है ये ध्यान रखना है फिफ्थ न्यूमेरिकल डिटरमाइन द साउंड प्रेशर लेवल ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 ऑक्टेव बैंड डिजाइन W1 इज इक्वल टू इतना W2 इज इक्वल टू इतना W3 इतना
सिंपल जैसे अभी किया है आपने, तीन सोर्स दिए हुए हैं आपको निकालना है टोटल, एवरेज नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। एवरेज के लिए या तो एवरेज लिखा होगा या इक्विवेलेंट लिखा होगा। तो एल पी इजकल टू 10 लॉग 10 की पावर, ये हो गया 100 बाई 10, ये हो गया 103 बाई 10, ये हो गया 106 बाई 10, और जब इसका समेशन निकल के आया तो ये आ गया 108.4 डेसिबल। ठीक है, सिंपल था, ये तो करा चुका हूँ लास्ट में अभी एक, तो इसको ज़्यादा नहीं देखते, अब नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, इन सभी इक्वेशन को यूज़ करके ना एक चार्ट बनाई गई है, इस चार्ट की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये चार्ट आपको इस तरीके से बनानी होगी, एक रफली डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ टू और ऐड, किसी भी दो साउंड लेवल का डिफरेंस से आप पता कर सकते हो उनके बीच में कितना आपको ऐड करना है हायर वैल्यू के अंदर। यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे बेस पे, डिफरेंस इन डी पी, डेसिबल में डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन टू साउंड लेवल बींग एडिड, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंक्रीमेंट टू बी एडिड टू द हायर लेवल। इसको समझना, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, न्यूमेरिकल करते हैं उससे समझ में आएगा इस चार्ट को कैसे देखते हैं। यहाँ पे समझ में आ जाएगा, डिटरमाइन द साउंड प्रेशर लेवल, टोटल निकालना है, एवरेज नहीं निकालना। एक साउंड प्रेशर लेवल है 90 डेसिबल, दूसरा है 95 डेसिबल, तीसरा है 88 डेसिबल। चार्ट की हेल्प से हमें इनका समेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट टू का देखते हैं पहले, फर्स्ट टू डेसिबल है 88, 90 डेसिबल, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 2 डेसिबल। तो अब हमें जाना पड़ेगा चार्ट पे, चार्ट पे गए, चार्ट पे आप देखोगे 2 कहाँ पे, एरा 2, इस 2 पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलती है, यहाँ पे अंदाजे से मैं बोल देता हूँ ये 2.3 है, ये 2.3 है मेरे अंदाजे से, ठीक है 2.3 है, ठीक है। और जो हमारी हायर वैल्यू, क्योंकि आपने देखा होगा चार्ट में लिखा हुआ है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उससे जो चार्ट में देखकर वैल्यू आ रही है वो हायर में उसको ऐड करना है। तो हायर वैल्यू कौन सी है, 90, और 2 से हमें क्या वैल्यू मिली थी चार्ट पे, 2.3 मैंने माना था लेकिन इन्होंने 2.2 माना है, ठीक है वो हायर वैल्यू में ऐड कर देना है। तो इन दोनों का समेशन चार्ट की हेल्प से कितना आ गया, 92.2 डेसिबल। अब हमें, क्योंकि हमारे पास सोर्स तो 3 है, तो अब हमारे पास ये 2 सोर्स बचे, अब इन दोनों का सम से जो आ रहा है और इनके से, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 95 में से 92.2 माइनस करो तो कितना आएगा, 2.8, इसमें डिफरेंस आ रहा है 2.8। तो अगर 2.8 हम चार्ट में देखें तो क्या आता है देखते हैं, 2.8 है आपका, 2.8 आ रहा है ना, तो 2.8 यहाँ पे मार लेता हूँ मैं, और यहाँ से अगर मैं सीधी रेखा खींचता हूँ, सीधी लाइन, सॉरी यहाँ पे मैं मान के एक सीधी लाइन खींचता हूँ, रफली है, ठीक है, तो ये 2 आ रहा है, मेरे को लग रहा है एग्जैक्ट वैल्यू। और ये चार्ट क्या कह रहा है कि ये जो इंक्रीमेंट है ये हायर वैल्यू में ऐड हो जाना है, ठीक है 2 वैल्यू आ रही है, याद रखना इसको 2 वैल्यू आ रही है हमारे अंदाजे से। तो यहाँ पे हायर वैल्यू कौन सी है, 92.2 है कि 95 है, 95 है, तो 95 में 2 प्लस कर दो तो अब क्या आ गया, 97 आ गया टोटल। बट हमने तो रफली निकाली थी ना वैल्यू, रफली इन्होंने एग्जैक्ट निकाली होगी, तो ये 2.9 लिए इन्होंने वैल्यू, है ना 1.9 डेसिबल, और हमने ली थी 2 रफली एक है। तो इस तरीके से निकालते हैं, 1.9 इन्होंने जो हायर डेसिबल सोर्स है उसमें ऐड कर दिया तो ये आ गया 96.9। तो 3 सोर्स का एडिंग किया है हमने चार्ट की हेल्प से, वो आ गया है 96.9 डेसिबल। तो ये इस तरीके से हम चार्ट की हेल्प से करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन। इस 7th क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में,
इसको स्टार कर लेना सेवेंथ क्वेश्चन को। डिटरमाइन द साउंड प्रेशर लेवल एट ए पॉइंट ड्यू टू, एट ए पॉइंट किसी पॉइंट पे ड्यू टू पर्टिकुलर मशीन, ड्यू टू पर्टिकुलर मशीन इफ एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर एलपी साउंड प्रेशर लेवल कितना है 85 डेसिबल। मैं बता चुका हूँ कहीं पर एलपी लिखा होगा, कहीं पर बुक में एसपीएल लिखा होगा, एके ट्यूब में पता नहीं क्या होगा, एलएसपीएल भी लिखा हो सकता है या पूरा लिखा हो सकता है साउंड प्रेशर लेवल। तो किसी एक पॉइंट पे एक मशीन के द्वारा क्या साउंड प्रेशर लेवल होगा, जब मशीन बंद होती है तो वहाँ पे उस पॉइंट पे साउंड प्रेशर लेवल है 85 और जब मशीन को हम काम करते हैं तो साउंड प्रेशर लेवल है 94। तो हमें निकालना है उस मशीन की वजह से उस पॉइंट पे कितना नॉइज जनरेट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब मशीन को आपने चालू करके मेज़र किया डिवाइस से तो 94 आ रहा है, मशीन को बंद किया तो 85 हो रहा है, पर एग्जैक्ट उस मशीन की वजह से कितना आ रहा है वो आपको निकालना है। तो मैंने अभी लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि ऐसा केस में हमें सब्ट्रैक्टिंग का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसमें वही किया हुआ है, एलपी 10 लॉग 10 एलपीटी डिवाइड बाय टी, यानी कि ये वो है जो आपका मशीन ऑपरेट करने के टाइम आ रहा है और ये है बैकग्राउंड नॉइज़। ये बैकग्राउंड ही तो हो गया 85 क्योंकि मशीन बंद करने के बाद भी इतना नॉइज़ है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। और ये क्या है, मशीन का ऑपरेटिंग, ये बैकग्राउंड, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने यहाँ पे 94 डेसिबल ले लिया मशीन के लिए और बैकग्राउंड के लिए 85, और इन दोनों को जब माइनस किया तो आ रहा है 93.4। इस क्वेश्चन को स्टार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे भेज दूंगा इसको। तो मशीन जब ऑपरेट कर रहे थे तब वहाँ पे साउंड प्रेशर लेवल 94 था, लेकिन एक्चुअली में मशीन की वजह से जो साउंड प्रेशर लेवल आ रहा है वो 93.4 डेसिबल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ट की हेल्प से ये करना। अभी जो हमने सॉल्व किया है ना वो एक फॉर्मूला इक्वेशन लगा के किया है, अब दूसरा वाला जो है वो हमें चार्ट की हेल्प से सॉल्व करना है। Determine the sound pressure at a point due to particular machine if the LP is 85 dp of the machine off and 94 dp with the machine operating using chart subtracting decibel. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ट के लिए जो दो वैल्यू उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आ गया। 9 की वजह से जो वैल्यू आ रही होगी हमारी चार्ट में उसको हायर वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना, ऐड करते थे टोटल निकालने के टाइम पे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब हम टोटल प्रेशर निकालते थे उसमें हायर वैल्यू में हम सब्ट्रैक्टिंग चार्ट की वैल्यू को ऐड करते थे, और जब हम सब्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं तो हायर वैल्यू में चार्ट से निकाली गई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम सीधा चले जाते हैं चार्ट पे, यहाँ पे डिफरेंस याद रखना कितना आ रहा है, 9 डेसिबल, डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। हमारी चार्ट है तो 9 डेसिबल ये है आपका, और मुझे लगता है यहाँ पे कितना आ रहा होगा, मुझे तो लग रहा है 0.5 आ रहा है, 0.5 डेसिबल वैल्यू आ रही है। तो इसको इंक्रीमेंट हायर वैल्यू में इसको माइनस कर, टोटल की बात नहीं हो रही, सब्ट्रैक्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। चलो देखते हैं उन्होंने क्या किया है, 0.5 याद रखना, तो हायर वैल्यू क्या है आपकी, हायर वैल्यू है 94, 94 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 93.5 डेसिबल आएगा। हमने जो निकाला है, इन्होंने जो निकाला है वो 0.6 इन्होंने माना है, वो जो वैल्यू आती थी चार्ट पे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम रफली होता है, उनका रफली हो सकता है, हमारा एग्जैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जो इक्वेशन से निकाला था वो क्या था, 93.4, इन्होंने इसी हिसाब से निकाल दिया है 0.6, ठीक है, हमने केवल चार्ट पर देख के रफली निकाला है। तो इस तरीके से आप किसी एक चार्ट पर और किसी एक इक्वेशन की हेल्प से एवरेज, सब्ट्रैक्ट और एडिंग कर सकते हो साउंड प्रेशर लेवल को।
इसमें किसी का डाउट हो साउंड प्रेशर लेवल सबट्रैक्टिंग एडिंग और एवरेजिंग में तो बताओ मुझे। सर चार्ट वाला बता दीजिए। कौन सा कह रहे हो? यही सर चार्ट वाला। चार्ट वाला चार्ट पे चले जाते हैं दोबारा से। ये है हमारे पास चार्ट। किसी भी दो की बात हो रही है, देखो इसमें दो से ज्यादा का नहीं करेंगे हम, केवल दो सोर्स। अब जैसे तीन सोर्स हैं तो पहले दो सोर्स के को सॉल्व कर लो, फिर जो रिजल्ट आया वो प्लस जो थर्ड सोर्स है उसको कर लो। ऐसे मल्टीपल का कर सकते हो, लेकिन चार्ट केवल दो के लिए है। तो किसी भी दो सोर्स से कोई भी साउंड प्रेशर लेवल आ रहा है तो सबसे पहले उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि एक सोर्स से आ रहा है 90 डेसिबल और दूसरे सोर्स से आ रहा है 95, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 डेसिबल। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या, अगर क्वेश्चन ने पूछा कि टोटल निकालो, इनका सम निकालो, तो कैसे निकालेंगे चार्ट पे? अगर पूछा सब्ट्रैक्शन निकालो तो कैसे निकालेंगे? दोनों निकाल के देखते हैं। तो 5 डेसिबल आ रहा है हमारा इन दोनों का डिफरेंस। 5 डेसिबल को यहाँ पर देखेंगे और इसकी जो स्ट्रेट लाइन कर्व पे हमारे जहाँ टकरा रही है वहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1.3 डेसिबल। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर टोटल निकालना है आपको तो जो हायर है उसमें 1.3 ऐड कर दो, यानी कि इसमें 1.3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 96.3। 96.3 क्या आया है? ये आया दोनों साउंड प्रेशर का टोटल, क्योंकि हम जानते हैं कि इनको डायरेक्टली टोटल नहीं कर सकते क्योंकि लॉगरिथमिक इंक्रीमेंट है इनका, लीनियर नहीं है। तो इन दोनों को अगर सम करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 96.3। लेकिन अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हायर वैल्यू 95 उसमें से 1.3 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 93.7 डेसिबल ये आ गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी चार्ट से, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी चार्ट से। ठीक है? यस सर। चार्ट वाले के आने के कम चांस है, चार्ट वर्ड नहीं देते वो, फिर भी पता होना चाहिए, सिंपल है। वैसे तो आएगा तो डायरेक्ट कोई इक्वेशन पूछी जाएगी, सॉल्व किया जाएगा इक्वेशन से। ठीक है, पता होना चाहिए बस। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, रिपीट हो रही हैं स्लाइड में। प्रेशर इंटेंसिटी, साउंड प्रेशर लेवल, डेसिबल इंटेंसिटी, साउंड पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है सोर्सेज, टाइप ऑफ सोर्सेज, वही पॉइंट फोर्स, लाइन फोर्स, उनमें थोड़ी सी इक्वेशन अलग है, आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पर करेंगे नेक्स्ट टाइम पे उसको। जैसे ये है कि अगर किसी पॉइंट सोर्स की बात करें हम तो वहाँ पे इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, आर जो आपका रेडियस है वो रेडियस के आपका पॉइंट सोर्स से आपका रिसीवर कहाँ रखा हुआ है, आप कहाँ पे हो। ठीक है, इसमें कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जब कन्वर्ट करना होता है इसको इंटेंसिटी टू पावर, तो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, उसके बाद ये हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इसको, आज यहीं छोड़ते हैं।
22 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है आप लीव कर सकते हो, कोई डाउट हो कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है कोई भी।